हेलो दोस्तों नमस्कार सभी को चलिए इस बार मैं आपको नंबर सिस्टम के क्वेश्चन आंसर कराने वाला था बट उन्हें मैं इस लेक्चर के बाद कराऊंगा इस लेक्चर में के बाद इसलिए कराऊंगा क्योंकि देखिए मैंने बहुत सारे नंबर सिस्टम के क्वेश्चन देखे हर एक एग्जाम को भी देखा और उनमें जो लेवल था क्वेश्चनों का देने का वो भी मैंने एनालिसिस किया विश्लेषण किया उनका तो मुझे कुछ फॉर्म कुछ क्वेश्चन ऐसे मिले मतलब जो स्पेशल हैं जो मैंने आपको नहीं बताए तो पहले हम ये स्पेशल जो केस हैं इन्हें कंप्लीट करा दूं ये नंबर सिस्टम का ही पार्ट है तो पहले हम इस नंबर सिस्टम के स्पेशल केस को करा देते हैं उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे उसके बाद जितने भी क्वेश्चन होंगे मैं सबके सब क्वेश्चन अगली वाली जो वीडियो आएगी उसमें कंप्लीट कराएंगे बट इस वीडियो में मैं ओनली नंबर सिस्टम का लास्ट ये वीडियो रहेगा नंबर सिस्टम का और इसमें मैं स्पेशल केस के जितने भी क्वेश्चन हैं वो कंप्लीट कराएंगे ठीक है तो एक बार इन क्वेश्चनों को एक बार आप देख लीजिए ठीक तो देखिए हमें इरेज कर देंगे मुझे याद नहीं रहेगा तो मैंने इसकी फोटो वगैरह खींच लेते हैं ठीक तो फोटो मैंने वगैरह खींच ली है अब मैं इन्हीं क्वेश्चनों को कराऊंगा एक 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 करके बारी बारी से ठीक है और आप लोग नोट कर लीजिए इन चीज़ों को क्योंकि ये जो स्पेशल केस हैं जितने भी एग्जाम होते हैं हर एक में इनमें से बहुत क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको ठीक है और जो कुछ थोड़े बहुत केस एक दो बच गए हैं उन्हें में जब क्वेश्चन कराऊंगा कंप्लीट क्वेश्चन कराऊंगा कि नंबर सिस्टम के कौन कौन से कैटेगरी के क्वेश्चन हैं वो जब कंप्लीट कराऊंगा मैं क्वेश्चन कुछन, क्वेश्चनों को तब उसमें जो एक दो केस रह जाएगा और आ जाएगा बाई चांस ठीक है तो उसे भी वहां पर क्लियर कर देंगे बट मैंने छांटे हैं कुछ स्पेशल केस इतने हैं करीबन सोलह स्पेशल केस हैं इन्हें हम देख लेते हैं इन्हीं पे बेस क्वेश्चन रहते हैं ज़्यादातर देखिए इसे इरेज करने जा रहे हैं हम और हाँ एक चीज ये भी कि जरा इन क्वेश्चनों को ध्यान से नोट कर लेना और एक एक क्वेश्चन को समझना क्योंकि अगर आप इन्हें नहीं समझेंगे तो कोई भी एग्जाम ऐसा नहीं होगा होगा जिसमें आप इन्हें कर सकें क्योंकि क्वेश्चन हो तो जाएंगे मैं मानता हूं आप इन्हें कर लेंगे बट टाइम बहुत ज्यादा लगे लगाएंगे आप लोग ठीक है टाइम जब ज्यादा लगेगा तो क्वेश्चन जहां पे हमें एक मिनट मिलती है एक क्वेश्चन के लिए या दो क्वेश्चनों के लिए वहां पे हम चार मिनट या पांच मिनट खर्च करेंगे एक क्वेश्चन पे तो बताइए कैसे आप क्रैक कर सकते हैं कोई भी एग्जाम ठीक तो इसलिए इन केसों को एक बार देख लीजिए नोट कर लीजिए और एक एक करके हम समझाना स्टार्ट करते हैं ठीक है यहां से स्टार्ट करते हैं हम चलिए ये वाला नहीं अरेज कर रहे हैं इधर वाला कर दे रहे हैं और एक एक केस लेते हैं ठीक है ये मैथ ये नंबर सिस्टम मैथ के नंबर सिस्टम का लास्ट वीडियो है अगर आपने इसे अच्छी तरह देख लिया है तो मैं गारंटी से कह कह सकता हूँ आप लोगों से कि नंबर सिस्टम में जितने भी क्वेश्चन आएंगे आप मोस्टली लगा देंगे दो से तीन चार पाँच क्वेश्चन आते हैं तो उनमें से मैं ज़्यादा नहीं मैं बता रहा हूँ कि पाँच अगर आते हैं तो पाँच में से पाँच अगर नहीं कर पा रहे हैं तो चार तो आप हंड्रेड परसेंट कर देंगे तो ये सारे केस है निचोड़ है एक तरह से ये ठीक है तो अब एक बार अब स्टार्ट करते हैं देखिए जब हम एलजेब्रा वगैरह पढ़ाएंगे तो उसमें हम इनके बारे में डिटेल डिस्कशन करेंगे कि कैसे सॉल्व कर सकते हैं ट्रेडिशनल मेथड कौन सा होता है जैसे हम इन क्वेश्चनों को करते हैं ठीक है और हम शॉर्ट इसमें क्या करेंगे शॉर्टकट फॉर्म ट्रिक अपनाएंगे ठीक है अब देखिए क्या हमारे पास ये है क्या क्वेश्चन है ठीक पहला क्वेश्चन हमारे पास क्या है पहला केस केस नंबर यहां पे डालते जाएं, देखिए अंडर रूट के कितने केस हैं हमारे पास पांच ठीक तो पांच केस हैं रूट के केस ऑफ रूट ठीक फर्स्ट वाला क्या है हमारे पास जब ऐसी कोई रूट में वैल्यू दी जाती है डिफरेंट डिफरेंट तो हम कैसे करेंगे इसे ठीक ये मेरे पास एक क्वेश्चन है इसे करने करेंगे पहला केस यही है ठीक है केस नंबर फर्स्ट यहां पर डाल देते हैं केस फर्स्ट केस फर्स्ट अब इसे जब ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाता है कि उसमें प्लस भी हो माइनस भी हो और अलग अलग संख्या भी हो मतलब जो संख्याएं रिपीट नहीं हो रही हैं वो भी हैं और रूट भी लगा हुआ है तो ऐसे केस में हम क्या करेंगे जो हमारा पीछे वाला होता है मतलब पीछे वाली इसमें कौन सी संख्या है ये वाली तो हमारी क्या है फॉरवर्ड है फॉरवर्ड आगे वाली संख्या है और ये वाली हमारी क्या है पीछे वाली पीछे मतलब बैकवर्ड तो हम हमेशा जब ऐसा केस आ जाता है पहला केस ऐसा मिले आपको तो इस क्वेश्चन को हम हमेशा किधर से करेंगे पीछे से स्टार्ट करेंगे ठीक है कहां से पीछे से तो अब इधर आइए इसमें देखिए नाइन है? है मैंने ये लिया लिख लिया ठीक ऊपर वाला रूट लगा लगा दिया ग्यारह माइनस फिर मैंने रूट लगा दिया जीरो वन फाइव माइनस फिर मैंने रूट लगा दिया सत्रह प्लस फिर मैंने रूट लगा दिया इकसठ प्लस फिर अब देखिए मुझे क्या था रूट नाइन है तो रूट नाइन मैंने आपको क्या किया स्क्वायर रूट स्क्वायर क्यू रूट क्यू ये सब कुछ सिखा रखा है तो आप कैसे निकालेंगे वो आप जाने अब मैं अगर नहीं जानते तो मेरी पीछे वाली वीडियो है स्क्वायर की उसमें कंप्लीट डिटेल डिस्कशन किया है स्क्वायर कैसे निकालेंगे स्क्वायर रूट अगर कोई संख्या है तो स्क्वायर रूट कैसे निकालेंगे तो उसे आप देख लें जाके ठीक है इस पर मैं उस चीज़ को बता के टाइम वेस्ट नहीं करूंगा आप डायरेक्ट लिखते हैं नौ का कितना हो जाएगा तीन ठीक तो मैंने यहाँ पे इसकी जगह इस पूरे की जगह हमने कितना आ जाएगा मेरा आंसर तीन तो मैंने यहाँ पे किया ये वाला हट गया और इसकी जगह मेरे पास क्या आ गया तीन ठीक जब तीन आ गया मेरे पास अब मुझे क्या करना है जो इस वाले रूट में है बारी कौन से रूट की है अब इस वाले रूट की वैल्यू खत्म कहा नहीं अब इस वाले रूट की बात आती है इस वाले की सेकंड वाले तो इसको अगर सॉल्व करेंगे तो ये कितना हो जाएगा इसे सिक्सटी फोर हो जाएगा इकसठ और थ्री सिक्सटी फोर तो सिक्सटी फोर मतलब अब हमें यहीं पे कर दे रहे हैं थोड़ा सा ठीक है तो यहां पे मैंने कितना कर दिया सिक्सटी फोर अब सिक्सटी फोर रूट में अगर सिक्सटी फोर है तो इसकी वैल्यू कितनी होती है कैसे निकालेंगे कैसे नहीं निकालेंगे वो मैंने आपको पहले ही बता रखा है मैं उसमें नहीं टाइम वेस्ट करूंगा तो इसका कितना होता है सिक्सटी फोर का एट ठीक है तो हम इस पूरे की जगह मतलब इस रूट की जगह क्या लिख देंगे एट ठीक तो यहां पे मैंने लिख दिया कितना एट ठीक अब बात बारी है हमारे पास किसकी इस वाले की तो इसे अगर सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा रूट जीरो वन फाइव माइनस इसको अंडर रूट में करेंगे तो कितना हो जाएगा पच्चीस रूट पच्चीस की वैल्यू कितनी होती है फाइव ठीक यहां पे मैंने फाइव लिखा अब मैंने क्या किया फिर ग्यारह अंडर रूट हंड्रेड इसे सॉल्व किया ठीक है हंड्रेड आया हंड्रेड की वैल्यू कितनी होती है टेन ठीक तो यहां पे मैंने ग्यारह में से टेन जाएंगे कितने बचेंगे अब यहाँ पे वन और 1 का रूट चाहे रूट हो चाहे स्क्वायर हो वन का तो कितना आता है वन हमारा ठीक तो पहला केस तो आपके समझ में आ चुका होगा आई थिंक ठीक है तो पे, केस नंबर कैसा ये था फर्स्ट केस था ये वाला ठीक अब केस नंबर दूसरा अगर मेरे पास रिपीट वाली कोई वैल्यू आ जाए तब ठीक है तो चलिए इस केस को समझ में आ गई अगर ऐसी कोई वैल्यू दी जाती है आपको तो क्या करना है आपको पीछे से स्टार्ट करना है पीछे से सॉल्व करते हुए आगे की तरफ बढ़ना है मतलब अगर हम वैसे मैथमेटिकल की फॉर्म में बोले तो हम कह सकते हैं जब हम ऐसे स्टार्ट करते हैं तो क्या है हमारे पास <coughs> दाएं से स्टार्ट करेंगे बाएं की तरफ चलेंगे ठीक है इसे अलग करते हैं हम अब केस नंबर टू केस नंबर टू केस टू केस टू में मैंने कौन सा क्वेश्चन है मेरे पास ये ठीक मतलब नंबर सिस्टम के जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं जितने भी केस बन सकते हैं वो सब हम इस वीडियो में कवर कराएंगे ठीक है और उसके बाद क्वेश्चन कराएंगे क्योंकि देखिए अगर मैंने अभी क्वेश्चन करा दिए होते सारे के सारे तो क्या है आपको समझ में ही नहीं आता पहली बात तो कि हम कर कैसे रहे हैं ठीक है उन्हें कैसे कर रहे हैं क्या कर रहे हैं कैसे आएगा कैसे नहीं वो चीजें आप नहीं कर सकते थे तो हम पहले कुछ इन स्पेशल केस को करा दे रहे हैं सारे क्वेश्चनों को एक एक करके और उसके बाद हम क्वेश्चन कराएंगे कि जो जो एग्जाम में आए हैं ठीक है चलिए ठीक और इसमें नाइन ए भी नाइन ए भी नाइन ए भी नाइन और डॉट 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 इनफाइनाइट ठीक है अब देखिए वैल्यू हमारी कहां तक जा रही है इनफाइनाइट तक अगर रूट में हमारे पास कोई भी वैल्यू है और उसमें ये दूसरा केस है हमारे पास अब देखिए रूट में कोई भी वैल्यू हो हमारे पास क्या है रूट में कोई भी वैल्यू हो और उस उन दो रूटों के बीच में मतलब हमारे कहने का मतलब ये है कि रूट में सत्रह है और रूट में सत्रह है रिपीट हो रही है वैल्यू कैसी है रिपीट है ये वैल्यू कैसी है रिपीट है रिपीट वैल्यू है और ऐसा ही क्वेश्चन मिलेगा ये नहीं कि अलग अलग क्वेश्चन वैल्यू आ जाए तो उसे हम निकाल लेंगे ठीक है वैसे ही ठीक है तो अब ऐसी बात आती है जब रिपीट वैल्यू आ जाए और दो रूट अलग अलग हों पहला रूट ये है दूसरा रूट ये है मेरे पास दोनों रूट हमारे पास है तो अब इसमें हम क्या करेंगे है कैसा इनफाइनाइट है जब इन्फाइनाइट की बात आती है तो हम क्या करेंगे जो वैल्यू होती है उसी को आंसर लिख देते हैं समझ में आ गई बात क्या मैंने बताया कि जो रूट के अंदर वैल्यू होती है जो संख्या होती है रूट के अंदर उसी को आंसर लिख देते हैं जैसा होती है संख्या वैसे ही उतार देते हैं अब इसका आंसर हम क्या कर... हम बोल देंगे क्या आएगा आंसर इसका ठीक है <coughs> आंसर इसका कितना आ जाएगा देखिए आंसर अगर देखा जाए इसमें तो इन्फाइनाइट तक सीरीज जा रही है और बीच में नौ 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 नौ, नौ की सीरीज है हमारे पास। तो जो रूट के अंदर क्या है ये बट इन दोनों के बीच में कोई साइन लगा है नहीं लगा है अगर कोई साइन साइन का मतलब प्लस माइनस मल्टीप्लाई भाग इनमें से कोई भी अगर साइन नहीं लगा है और एक रूट के अंदर रिपीट हो रही है वैल्यू बार बार तो हम उस वैल्यू आंसर वही होगा जो हमारी रूट के अंदर वैल्यू होगी ठीक है तो देखिए इसका बेल, इसका आंसर क्या आ जाएगा मेरे पास नाइन अगर मेरे पास यहां पे स्पेशल केस में यहां पे उन्नीस 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 और डॉट 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 इनफाइनेट होता तो इसका आंसर कितना हो जाता है? हमारे पास उन्नीस मतलब कुछ करना ही नहीं है इस केस में इस केस में जो हमें दिखाई दे रहा है वही हमारा आंसर है ठीक इस केस को अब करते हैं तीसरे की बात केस नंबर तीसरा इन आप यह ना सोचिए कि इन्हें कैसे आया कैसे नहीं आया क्योंकि जब एलजेब्रा की क्लासेस होंगी हम एलजेब्रा का सेक्शन लेंगे तब उसमें हम आपको एक्सप्लेन करेंगे एलैबोरेट करेंगे इन सारी चीज़ों को कि वैल्यू हमें कैसे मिल जाती है वही वैल्यू जो हम अभी बता रहे हैं आपको ठीक है तो आप घबराने की बात नहीं है बस आप देखते रहिए सिर्फ अभी कि शॉर्ट मेथड क्या है कैसे हम आंसर को ला सकते हैं ठीक है थीके? वो ज़्यादा ज़रूरी है और जब एक्सप्लेन की बात आएगी जो एल्जेब्रा हम कराएंगे तब हम इलेबोरेट करेंगे ठीक है उस सीरीज को ये जो आंसर आ रहे हैं मेरे तुरंत का तुरंत तो कैसे आ रहे हैं ठीक है वो हम बताएंगे उसमें बट अभी के लिए आपको शॉर्ट ट्रिक रहे हैं ठीक उस पर कोई दिक्कत नहीं केस नंबर आप तीसरे की बात तीसरा केस क्या है मेरे पास ये है देखिए फोर 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 एक दो तीन चार पाँच छह बार है फोर फोर बराबर जीरो ठीक है मतलब हमारे यहां पे क्या है मेरा जो ऊपर वाला केस था उसमें मैंने क्या देखा था कि एक कोई एक सीरीज थी इसके अंदर मैंने मान लिया तीन 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 ठीक है और डॉट 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 करके इनफाइनाइट तक जा रही थी और ये क्या यहां पे और इसमें क्या अंतर नजर आ रहा है आपको ये वाली जो सीरीज है हमारी कहां तक जा रही है इनफाइनाइट मतलब अनंत तक जा रही है वाली कुछ जगह कुछ देर तक चली उसके बाद शांत हो गई ठीक है तो हम इसे कह सकते हैं अशांत <coughs> अशांत और इसे कह सकते हैं शांत शांत सीरीज ठीक है शांत श्रेणी और अशांत श्रेणी तो इसमें क्या है यह तो चला चल लगी है इसमें तो, तो जब भी हमारा इनफाइनाइट साइन लगा है तो हम आंसर जो इसमें है वही लिख देंगे अगर इनफाइनाइट साइन नहीं लगा है डॉट 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 करके इनफाइनाइट नहीं है और इक्वल टू जीरो है या कुछ भी नहीं है और यहीं पे आके शांत हो गई ठीक है तो हम क्या करेंगे देखिए <coughs> दोनों केस समझ लीजिए क्योंकि क्वेश्चन एक क्वेश्चन आ जाता है कभी कभार ठीक है तो इसका तो पता चल गया अगर इनफाइनाइट लगी हो और इस कंडीशन में है यहां पर कोई भी वैल्यू हो कोई भी नंबर हो कोई फर्क नहीं पड़ता है चाहे एक हजार हो पांच से हो दो से हो कुछ भी एक्स वाई जो आपकी इच्छा हो वो लिख देना ए बी सी डी कुछ भी और इनफाइनाइट लगाए तो जो इसके अंदर नंबर होगा वही हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट वाली सीरीज की बात कर रहे हैं अब बात करते हैं हम केस नंबर तीन ठीक है इसमें क्या है इनफाइनाइट नहीं है बट सीरीज तो ऐसी है, है देखो अगर मैं इस इनफाइनाइट को हटा दूं इसे हेड कर लूं इन्फाइनाइट को तो क्या है हमें सीरीज यही वाली मिलके तैयार हो रही है तो मतलब अब क्या करेंगे तो इनफाइनाइट की बात समझ में आ गई आपके तो अब बात करते हैं इसकी अगर इनफाइनाइट नहीं लगा है तो, तो क्या करेंगे जो नंबर हमारे अंदर है रूट के उस नंबर को लिख देंगे ठीक <coughs> क्या करेंगे कि जो रूट के अंदर मेरा नंबर है उसको हम लिख लेंगे ठीक अब मैं करूंगा क्या कि देखिए टू पे पावर टू पे पावर देखेंगे तो पावर कितनी लगाएंगे यहां पे क्या है पावर हर एक में होगा अगर यहां पे चार की जगह पांच होता छह होता सात होता आठ होता बारह होता पच्चीस होता तीस एक हजार कुछ भी एक्स वाई जेड वैल्यू हो चार की जगह पे यहां पे कुछ भी वैल्यू हो उससे कोई मतलब नहीं है वो वैल्यू अलग रहेगी और ये हर एक में लिखेंगे ये चीज प्रक्रिया हर एक में अपनाएंगे ठीक है टू इंटू पावर अब पावर क्या है हमारे पास यहां पे पावर में लगाएंगे क्या हमें पता तो है पावर लगानी है तो पावर में लगाएंगे क्या जितने रूट नजर आ रहे हैं उनको हम पावर मान लेंगे तो कितने रूट हैं इसमें एक दो तीन चार पांच और छ तो पावर यहां पे कितनी हो जाएगी टू पे पावर सिक्स टू पे पावर सिक्स को अगर मैं करूंगा तो मैंने आपको मैंने बताया है कि टू को पावर सिक्स कैसे लिख सकते हैं ऐसे ही करके लिख सकते हैं कितना आएगा चौंसठ आएगा आई थिंक ठीक है चौंसठ टू पे पावर चौंसठ आएगा अब हम क्या करेंगे जो मेरे पास चौंसठ आया है निकालने के बाद तो इसमें से एक घटा के ऊपर लिख देंगे ये और इसके नीचे चौसठ लिख देंगे बस एक घटा के ऊपर रहेगी वैल्यू मतलब एक लाइन खींचेंगे इसी के ऊपर और चौंसठ यहां लिखेंगे और यहां पे क्या करेंगे हम तिरसठ एक घटा के मतलब जो वैल्यू आएगी हमारे पास ठीक है उसमें से एक घटा के वैल्यू रख देंगे देखिए ये मेरा इसका आंसर रहेगा अब ऐसे ही इसमें और देख लेते हैं एक दो क्वेश्चन ठीक है ठीक मेरे पास ये है इसमें मैंने क्या है बराबर जीरो लगा दिया और नहीं लगाते तब भी कोई दिक्कत नहीं है बट इनफाइनाइट तो नहीं था मेरे पास अब इसमें देखिए मैंने क्या बताया पहला कि जो रूट के अंदर वैल्यू है उसे जैसा है वैसा ही लिख देंगे और अगर यहां पे इनफाइनाइट लगी होती तो अठारह ही आंसर था मेरा अठारह आंसर था बट इनफाइनाइट नहीं है जीरो है तो हमने इसके अंदर जो चीज है जो वैल्यू है उसे लिख लिया जो संख्या थी ठीक लिख लिया उसके बाद मैंने क्या किया कि अब अलग से मतलब यहां से हम क्या लिखें एक फॉर्मूला होता है टू पे पावर एन माइनस वन ठीक है और टू पे पावर एन ये होता है ठीक है एक्चुअली में तो वही चीज यहां पे करेंगे तो एन हमारे पास क्या है रूटों तो की संख्या वेयर एन बराबर नंबर ऑफ रूट्स प्रेजेंट ठीक नंबर ऑफ रूट प्रेजेंट कैसे देखिए ऊपर वाले में रूट कितने हैं एन बराबर कितनी है एक दो तीन चार मतलब चार तो अब हम पहले ऊपर वाली वैल्यू नीचे वाली निकालेंगे फिर ऊपर वाली तो टू पे पावर एन का मतलब क्या हुआ टू पे पावर फोर बराबर कितना हो जाएगा आ, दो चार चार चूंकि सोलह मतलब सोलह अब ये तो सोलह आ गया मेरे पास आ गया सोलह अब मुझे क्या करना है टू पे पावर एन माइनस वन मतलब ये जो वैल्यू आई इसमें से एक घटाना भी है तो इसमें से एक घटाएंगे तो कितना आ जाएगा पंद्रह तो अब यहां पे वही चीज लिख देंगे ठीक है इसे नोट कर लिया उम्मीद है कर लिया होगा ठीक है देखो यहां पे आप क्या लिखेंगे एट्टीन जैसा है कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे एट्टीन के साथ टू पे पावर एन माइनस वन की वैल्यू कितनी आई पंद्रह टू पे पावर एन की वैल्यू सोलह ये आंसर हो गया मेरे पास ठीक है तो ये चीज समझ में आ गई आप लोगों के ईजली <coughs> बताया है समझ में आ गई होगी ठीक है अब चलिए इस केस नंबर हम चौथे की बात कर लेते हैं और अगर फिर भी नहीं आ रही है तो क्या कीजिए वीडियो को दोबारा देखिए ठीक है थीके? आ जाएगी और तब भी नहीं आ रही है आपके तो मुझे आप मैसेज छोड़ सकते हैं ठीक है हाँ अब बात करते हैं ये भी हो गया ये भी हो गया ये भी हो गया अब केस नंबर हमारे पास आ गया केस नंबर फोर ठीक है केस नंबर फोर में क्या है मेरे पास देखिए सिक्स है प्लस सिक्स है प्लस सिक्स है प्लस सिक्स है प्लस डॉट 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 इनफाइनाइट ठीक ये रहे ये मेरे पास सीरीज है अगर मैं यहां पे प्लस का साइन हटा दूं मतलब जो साइन लगा है साइन रिमूव अगर मैं ऊपर वाले में इस वाली सीरीज में क्या करूं प्लस का साइन रिमूव कर दूं तो मेरी सीरीज क्या बनके तैयार हो जाएगी इनफाइनाइट यही तो बनके तैयार हो जाएगी हो जाएगी मेरे पास तो इसकी वैल्यू इसका आंसर में कितना लिख दूंगा ठीक है समझ में आ गई बात अब इसमें क्या है ऊपर वाली केस नंबर बट ऐसा तो केस है नहीं अब ऊपर क्या है इन दोनों जो दो हमारे रूट थे इनके बीच में साइन लगा दिया किसका प्लस का ठीक प्लस का साइन लग गया जब प्लस का साइन लगा दिया हमने तो अब करेंगे क्या जब प्लस का साइन लग गया तो अब मैं क्या करूंगा देखेंगे छह के फैक्टर निकालेंगे ठीक है छ के प्राइम फैक्टर निकालेंगे कैसे प्राइम फैक्टर या कह लो कंपोजिट नंबर मतलब सहज ठीक है को को प्राइम कह लो क्या को प्राइम नंबर ठीक है को प्राइम नंबर को प्राइम नंबर अगर निकालेंगे तो इसके क्या आएंगे टू इन थ्री मतलब नियर अबाउट नियर अबाउट अगर मेरे पास बारह होता तो बारह के तो फैक्टर हमने आपको बताया एल सी एम कैसे निकालेंगे फैक्टर कैसे निकालेंगे तो क्या करेंगे दो से हम करेंगे पहले तो छः आ जाएगा दो से करेंगे फिर कितना आ जाएगा मेरे पास तीन आ जाएगा तीन वन ठीक है इतना तो बारह के कितने हो गए मेरे पास दो तीन तीन वो सॉरी दो दो तीन ठीक है इतना तो हम इन्हें तो लिखेंगे नहीं मुझे लाना क्या है को प्राइम फैक्टर को प्राइम नंबर और मैंने ये नंबर सिस्टम का जो नंबरों नम्मर, के बारे में डिस्क्राइब किया था तो उसमें मैंने अच्छी तरह बताया कि को प्राइम नंबर क्या होते हैं मतलब आपस के ऐसी संख्याएं जो जिनमें से एक घटाने पे और एक जोड़ने पे वो संख्याएं प्राप्त हो जाएं आपस में ठीक है वो ही हमारी को प्राइम नंबर होते हैं तो अब देखिए ये रही अब मैंने यहाँ पर क्या किया टू टू है तो फोर इन थ्री या हम इसे लिखते हैं थ्री इंटू फोर कोई दिक्कत नहीं है ऊपर नीचे कोई कोई भी एक लिख दो कोई दिक्कत नहीं बट ये बन के आ गए हैं को प्राइम नंबर क्यों बन गए हैं देखिए अगर मैं इसमें एक जोड़ दे तो मुझे नंबर ये मिल जाएगा और अगर इस नंबर में मैं एक घटा दूं एक घटा दूं अगर तो मुझे नंबर क्या मिल जाएगा ये वाला ठीक है तो मतलब एक जोड़ो एक घटाओ ठीक समझ में आ गई बात अब देखिए वही चीज यहां पर अप्लाई करेंगे तो छह के कितने बन के आ गए <coughs> यहां पे छह के प्राइम कितने आ गए मेरे पास दो और तीन यही तो है नंबर हमारे पास अब देखिए इसमें क्या है प्लस लगा है प्लस का मतलब क्या होता है अगर आप प्लस का मतलब धनात्मक पॉजिटिव एनर्जी मतलब अगर कह दें कि उसके पास बहुत सारा रुपया है या कुछ भी हम कह दें ठीक है और ऐसी पॉजिटिव बेव निकल रही हो तो उसमें क्या है कि एक तरह से उसमें कुछ पोटेंशियल है उसमें ताकत है पर्याप्त ठीक है तो मतलब ताकत है का मतलब क्या हुआ यहाँ पे कि एक पर्सन जो पर्सन के पास ताकत है वो निर्मल से कुछ ज्यादा उसके पास ताकत है तो उसमें कुछ ऐड है ऐड है ना कुछ एक्स्ट्रा तो मतलब क्या है इसमें बड़ी चीज कौन सी है दो या तीन तो इसमें तीन है तो मतलब प्लस का साइन जब भी सीधी साफ साफ सीधी बात यह है अगर आपको प्लस का साइन नजर आ रहा है सीरीज में तो आप हमेशा को प्राइम नंबर निकालने के बाद उसमें से जो बड़ा नंबर होगा उसे सिलेक्ट कर लेंगे बस वो ही आंसर हो जाएगा तो इन दोनों में बड़ा कौन सा है दो बड़ा है या तीन बड़ा है तीन बड़ा तो ये क्या हो जाएगी मेरे पास आंसर हमारा इस ऊपर वाले का आंसर कितना हो जाएगा तीन ठीक है समझ में आ गई बात साफ सीधी बात मैंने फिर दोबारा बता दे रहा हूं कि ऐसी अगर सीरीज है प्लस माइनस लगा है कोई दिक्कत नहीं है लगा रहने दो प्लस माइनस लगा है तो क्या करेंगे हम जो इसमें संख्या होगी उसके को प्राइम नंबर निकालेंगे ठीक है मतलब आपस में एक जोड़े दूसरी संख्या मिल जाए और एक घटाएं दूसरी संख्या मिल जाए ठीक है तो अगर ऐसी देखो दो में एक जोड़ेंगे तीन मिल जाएगा तीन में एक घटाएंगे दो मिल जाएगा तो आपस की ही एक की ही ओनली दिक्कत हो ठीक है अब इसमें देखेंगे कि बड़ी प्लस साइन ना हमारे पास तो प्लस लगाए तो इसलिए बड़ी संख्या देखेंगे अगर यहां पर मैंने माइनस साइन लगा दिया होता तो हम कौन सा नंबर देखते दूसरा मतलब छोटा ठीक अब देखिए ऐसा ही मेरा पास केस नंबर आ जाएगा मेरे केस नंबर पांच नंबर पांच में क्या है संख्या यही है इनफाइनाइट ठीक है तो इसमें भी वही चीज है तो इसके हमने को प्राइम नंबर निकालेंगे तो कितना आ जाएगा मेरे पास दो और तीन अब इसमें देखो को प्राइम के बाद मैंने देखा इसमें साइन कोई लगा है या नहीं आपने देखा हां लगा है किसका साइन लगाया माइनस का, लगा है? का लगा है तो माइनस का साइन है तो जो हमारे पास को प्राइम नंबर आए हैं तो माइनस का साइन है इसलिए हम छोटी संख्या पकड़ेंगे और अगर मेरे पास माइनस का साइन ना हो के प्लस का होता तो को प्राइम में से हम कौन सी संख्या चुनते बड़ी वाली संख्या ठीक है तो इसमें से हमारा आंसर क्या हो जाएगा दो ठीक है तो ऐसे क्वेश्चन रहते हैं हमारे पास आएंगे कुछ केस ठीक है जब हम क्वेश्चन कराएंगे बट ये इसलिए करा रहे हैं क्योंकि पहले हम स्पेशल आपको केस करा दें जब हम क्वेश्चन कराएंगे तो आप भी करते जाए साथ, साथ में समझ में समझ आ, समझ में आता जाए आपके कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है ठीक है देखिए और यह भी आप एनालिसिस विश्लेषण कर सको कि जो भी क्वेश्चन में करा रहा हूं वो सारे के सारे एग्जाम में आते हैं कॉम्पिटेटिव एग्जाम में या नहीं आते हैं वो भी आप खुद ही विश्लेषण करेंगे ठीक है चलिए ये वाले हो गए मेरे पास पांच केस ठीक जो भी अब बात करते हैं इसकी <laughs> रुक जाइए थोड़ा हमें पानी पी लेते हैं एक मिनट अब देखिए हाँ आ जाते हैं कम अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हमारा छठवां इसमें क्या लिखा है थ्री डिजिट नंबर रिपीट टू टाइम्स एंड टू डिजिट नंबर रिपीट थ्री टाइम्स देन गेट नंबर इन डिजिबल बाय ठीक है हाँ आप देखिए इसमें क्या है मतलब ये केस है मैंने केस लिखा है एक तो इसमें क्वेश्चन मुझे खुद ही बनाना पड़ेगा कैसे देखिए अगर आपके पास कभी कभी ऐसा होता है कुछ क्वेश्चन ऐसे आ जाते हैं कि हमारे पास टू डिजिट के नंबर होते हैं और थ्री डिजिट के नंबर होते हैं और कह देता है कि दो डिजिट के जो नंबर हैं वो तीन बार रिपीट हो रहे हैं चार बार हो रहे हैं पांच बार हो रहे हैं छह बार हो रहे हैं ठीक है और इतने से डिवाइड हैं इतने से डिवाइड होंगे या नहीं तो रिमाइंडर क्या रहेगा मेरे पास ठीक है तो ये चीज हमें पता करनी है क्वेश्चनों में अब देखिए इसमें क्या है ये लिखा है थ्री डिजिट नंबर तो देखिए पहले तो हमारे पास टू डिजिट नंबर है टू डिजिट नंबर क्या होते हैं जिनमें ओनली टू डिजिट हो मैं नंबर सिस्टम का जो मैंने रोमन नंबर से पहले भी डिजिट और नंबर्स के बारे में जो बताया था उस वाले को देख लीजिए अगर आपको डिजिट और नंबर के बारे में जानकारी नहीं है तो ठीक है मैं उसमें अब एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्या है क्या नहीं ठीक है तो मैंने क्या किया दो डिजिट नंबर है मैंने मान लिया एक बी मैंने माना यहां पे माना थ्री डिजिट नंबर कितना थ्री डिजिट नंबर और ए बी सी ठीक है मेरे पास ये दो नंबर हो गए अब मुझसे अगर क्वेश्चन में कह दिया कि टू डिजिट जो नंबर है पहला टू डिजिट नंबर रिपीट थ्री टाइम्स तो टू डिजिट नंबर रिपीट थ्री टाइम्स का मतलब क्या हुआ यहां पे लिख देते हैं टू डिजिट नंबर रिपीट थ्री टाइम्स डिविजिबल वाई वाई ठीक है अब इसका मतलब क्या हुआ यहां पे देखिए ए बी एक हो गया एक बार रिपीट ए बी दो बार रिपीट ए बी तीन बार रिपीट देखिए रिपीट वन शॉर्ट में लिख रहे हैं हम रिपीट टू और रिपीट थ्री हो गया देखो टू डिजिट नंबर रिपीट थ्री टाइम्स टू डिजिट नंबर है रिपीट पहली बार दूसरी बार तीसरी बार ठीक है अब मुझे पत, बताना है कि ये बताइए कि ये नंबर किससे कट जाएगा तो जब भी ऐसी कोई केस आ जाता है हमारे पास तो देखिए जैसे मैंने मान लिया कि मेरे पास वन और टू है एक नंबर एक ही वैल्यू हमारे पास वन है और ये टू है और यहीं पे वन टू है फिर है वन टू है अगर मुझे ऐसी कोई वैल्यू मिल जाए और मुझसे पूछे बताइए कि ये किस से डिवाइड होगा ठीक है और ऑप्शन दे दिए जाए हमारे पास ऑप्शन तो है नहीं इसमें ठीक है तो बनाना पड़ेगा मुझे तो देखिए तो ऑप्शन के हिसाब से हम वहां पे लिख देंगे जो भी नंबर आएगा मेरे पास जैसे कोई भी आ जाए हमारे पास कि छह डिजिट का है तो यहाँ पे हमने लिखा ग्यारह लिख दिया मान लीजिए ग्यारह तो ग्यारह से भी जहाँ तक है कट जाएगा देखिए अगर हम इसे काटें तो कितना हो जाएगा बारह 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 ग्यारह से काटो तो वही ग्यारह एकन ग्यारह वन वन ग्यारह एकन ग्यारह कट गया ठीक है ये यहाँ पे आया अब इसकी बारी है टू वन तो भाग टूटेगी बिंदी ग्यारह दूनी बाईस ग्यारह दूनी बाईस नहीं चाहेगा तो हमें यहाँ पे कितना आएगा वन ठीक है तो ग्यारहन ग्यारह तो यहां पे कितना हो जाएगा वन और जीरो फिर टू तो ग्यारह निन्यानवे ठीक तो ऐसे करके अगर काटेंगे तो हमें ये नंबर मिल जाएगा ठीक है और ऐसे ही ये एक नंबर रहेगा उसमें ठीक तो ये ये भी एक केस आ जाता है कि रिपीट वाला कि कोई नंबर दिया है केस देखिए अभी मैं ओनली केस के बारे में समझा रहा हूं आपको एक ऐसा भी केस आ सकता है तो इन केसों के बारे में हम आपको जब क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें क्वेश्चन में है ये सारे क्वेश्चन ठीक है बट उनमें से मैंने थोड़े थोड़े केस निकाले एक एक केस निकाल लिया कि हाँ ऐसा हो सकता है शायद ऐसी सिचुएशन आ जाए तो वो जब हम कराएंगे तब हम कंप्लीट करा देंगे ठीक है तो ये भी एक केस हो गया अब बात करते हैं यूनिट डिजिट वाला यूनिट डिजिट के बारे में बता ही चुका हूं आप लोगों की ठीक है यूनिट डिजिट के बारे में क्या किया आप लोगों को बताया है डिजिट में देखो यूनिट डिजिट ऑफ ए फैक्टोरियल नंबर सच दैट ये कभी मैंने आपको जो बताया है यूनिट डिजिट का वो नेचुरल नंबर के बारे में बताया है ठीक है यूनिट डिजिट निकालने के लिए मैंने आपको बताया था कि कैसे प्रोसीजर है क्या निकालते हैं कैसे निकालेंगे यूनिट डिजिट तो उसके लिए मैंने आपको एक कंडीशन बताई थी नेचुरल नंबर अगर दिया है तो या होल नंबर दिया है तो ठीक है इनमें से अगर कोई भी नंबर दिया है हमें और मुझे पूछा जा रहा है कि बताइए आप लोग ये बताइए कि इनमें इसका यूनिट डिजिट क्या होगा तो आप इजीली फाइंड आउट कर देंगे अब इसमें एक केस और मैंने जो नंबर जब मैं देख रहा था बहुत सारे पेपर वगैरह देखे तो उसमें मुझे ये केस और मिल गया कि फैक्टोरियल मतलब यूनिट डिजिट जो है फैक्टोरियल से भी रिलेटेड हो सकता है क्वेश्चन तो फैक्टोरियल में अगर आता है तो कैसे है देखिए यह है मेरे पास अब मेरे पास इसमें यह बोला है कि यह है नंबर वन एक कुछ, केस है टू थ्री फोर प्लस डॉट 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 हंड्रेड ठीक ये रहा ओके अब बताइए इसका यूनिट डिजिट क्या रहेगा तो देखिए केस ऐसा मैंने एक केस लिया है इससे संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन में कराऊंगा आप उसकी टेंशन ना लीजिए बस देखिए इस केस को कैसे करेंगे फैक्टोरियल वन में ऐसे भी साइन इसका होता है और इसका साइन ऐसे भी होता है ठीक है नोटेशन देखा है ऐसे भी होता है ये फैक्टोरियल है ये भी फैक्टोरियल दोनों फैक्टोरियल हैं ठीक है <coughs> अब देखिए इसमें मैंने क्या किया वन का अगर करेंगे यहाँ पे देख लीजिए फैक्टोरियल वन तो वन फैक्टोरियल दो तो टू इंटू वन फैक्टोरियल थ्री तो थ्री टू वन फिर फैक्टोरियल फोर तो फोर थ्री टू वन फैक्टोरियल फाइव ऐसे हमें कहाँ तक जाना है सौ तक जाना है ना अब देखिए फाइव फोर ज्यादा नहीं जाएंगे हम बस आपको बता रहे हैं इतना हो गया अब ऐसे ही डॉट 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 करके फैक्टोरियल शो का भी बट ऐसे अगर निकालेंगे तो हमें टाइम बहुत लग जाएगा लगेगा या नहीं लगेगा ठीक है तो हम उस टाइम को मुझे क्या करना है बचाना है तो मैं क्या करूँगा सिर्फ और सिर्फ इसमें हम ये चेक करेंगे कि या तो मुझे दो नंबर मिल जाएं या तो मेरे पास पेयर पेयर मिल देखेंगे पेयर पेयर या तो दो या पांच का मिल जाए या चार और पांच का पेयर मिल जाए मुझे इनमें से कोई भी एक पेयर मिल जाए वो मुझे इजी सॉल्यूशन बना देगा क्या करेगा इजी बना देगा अब कैसे बनाएगा देखिए इसमें पेयर मुझे नजर आ देखिए यहाँ यहां तो मेरे पास क्या है फाइव है यहां पे क्या है फोर है पांच चार का भी पेयर बन के तैयार हो रहा है और पांच दो का भी पेयर यहां पे बन रहा है दोनों पेयर बन के तैयार हो रहे हैं मेरे पास तो ऐसे में क्या करेगा अब ये देखिए हमें इतना ही ध्यान देना है फैक्टोरियल वाले में कि मुझे पेयर बना देने हैं कितने चार चार और पांच का और पांच और दो का ठीक है इनमें से कोई एक पेयर बन के तैयार हो जाए अब इसकी वैल्यू तो हम एक ही रखेंगे इसकी दो आएगी इसकी छ आएगी और इसकी हमारे पास चाहती है बारह दो नहीं चौबीस ठीक स्वाभाविक है इतनी तो वैल्यू आएगी हमारे पास क्योंकि इसमें हमारे पास कोई पेयर वगैरह नहीं है अब बात करते हैं हम यहाँ पे इसकी वैल्यू हो जाएगी बीस इसकी वैल्यू हो जाएगी 6, ये 6, ठीक है ये पूरा मिला के छ हो जाएगी मेरे पास अब जब छः हो जाएगी तो अगर हम इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा वन ट्वेंटी अब देखिए इसमें यूनिट डिजिट मेरा कितना हो गया जीरो अगर मैं पाँच के बाद वाली कोई भी संख्या उठाता हूँ ठीक है इन्हें हम थोड़ी देर के लिए ऊपर लिख दे रहे हैं ठीक है वन टू सिक्स और ट्वेंटी फोर ठीक है इन्हें अब देखिए अब फैक्टोरियल पाँच के बाद में कोई भी संख्या लेता हूँ तो उसका यूनिट डिजिट मुझे क्या मिलेगा जीरो क्या अगर विश्वास नहीं होता है तो करके देखिए आप खुद ही कर लीजिए हम भी कर रहे हैं ठीक है अब मैंने लिया फैक्टोरियल सिक्स तो सिक्स फाइव ठीक है सिक्स फाइव थ्री वो सॉरी फोर थ्री टू वन ये हो गया तो अब यहां पे देखिए <coughs> पांच चार पांच दो बन गए दो पेयर हमारे पास और जहां पे अगर मल्टीप्लाई करेंगे छह का पांच में तब भी हमारे पास जीरो आ जाएगा तो कोई भी हम पेयर बना ले कोई दिक्कत नहीं हमें तो हमने छह और पांच का पेयर बनाया तो इसकी वैल्यू कितनी आई और पांच की यहां पर तीस इन टू चारिया बारह फिर दो एक दो बारह दूनी चौबीस आपको समझाने के लिए कर दे रहा हूं और चौबीस तिया बहत्तर ऐसा ही होता है ना मेरे पास फिर भी यूनिट कितनी आई है यूनिट डिजिट मेरा पास कितना आ गया भाई जीरो मतलब अगर सात का भी करेंगे आठ का भी करेंगे नौ का दस का ग्यारह का बारह का नौ तेरह चौदह पंद्रह सोलह से लेके सौ तक अगर फैक्टोरियल आप करते हैं तो हर एक में मुझे वैल्यू क्या आएगी जीरो यूनिट यूनिट डिजिट मेरी क्या मिलेगी जीरो ठीक है तो इसलिए मैं क्या करूंगा अब हमें पता है यूनिट डिजिट जीरो आनी है आनी है तो अब में जो ऊपर वाली भी वैल्यू यूनिट डिजिट जो मेरे पास नंबर थे बचे हुए उनकी जो वैल्यू यूनिट डिजिट जीरो नहीं हुई है उन्हें हम सर्च कर लेंगे उन्हें हम क्या करें जोड़ देंगे तो क्या है एक की वैल्यू कितनी है वन टू की टू तीन की छः चार की चौबीस इन्हें जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा तीस ये जोड़ेंगे तीन तो इसकी कितनी हो जाएगी तैंतीस ठीक है तो यूनिट डिजिट मेरे पास कितना हो जाएगा तीन समझ में आ गई बात ठीक <coughs> तो ऐसे हम यूनिट वाला अगर फैक्टोरियल वाला कोई भी क्वेश्चन आ जाए यूनिट डिजिट में तो उसे हम ऐसे करेंगे ठीक है क्वेश्चन आएंगे कराएंगे हम ठीक है अभी आप केस समझिए कि कैसे कैसे केस क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं एग्जाम में सबसे बड़ी बात तो यह है ठीक है देखिए एक चीज और मैं अनाउंस कर दे रहा हूं यह लेक्चर थोड़ा सा बड़ा हो सकता है जहां एक घंटे का हम बनाते हैं यह दो घंटे भी जा सकता है इसलिए आप पैसेंस रखें पहली बात दूसरी बात अगर आपको पढ़ना है तो पेशेंस जरूरी है हम जहां तक कोशिश मेरी यही रहती है कि मैं एक भी क्वेश्चन ऐसा एक भी केस ऐसा ना छोड़ पाऊँ ठीक है जो एग्जाम व्यू ऑफ पॉइंट से अननेसेसरी है ठीक है सब जितने भी केस नेसेसरी वाले हैं मैं सबको यहां पे कराऊंगा और इसलिए आप इस वीडियो को अगर आप देख लेंगे तो मैं गारंटी से कहता हूं कि नंबर सिस्टम में जहां पाँच से छः नंबर का क्वेश्चन आता है अगर कोई भी जैसे देखिए आरआरबी रेलवे ठीक है और बैंक वाले ये वाले जो एग्जाम होते हैं ना तो इनमें तो भरपूर मात्रा में ऐसे क्वेश्चन रख देता है और अप्रोक्सीमेट वाले भी रखता है तो उन क्वेश्चनों को करने के उन क्वेश्चनों को तभी आप कर पाओगे जब आप यहाँ पर प्रेजेंस रहोगे और पूरी वीडियो आप अच्छे से देखेंगे तभी क्योंकि अगर आपने मिस की तो पता नहीं जो आपने मिस किया वही क्वेश्चन शायद आ जाए तो दिक्कत ये है ठीक है तो आप लोग जरा पेशेंस रखें और करें क्वेश्चन को देखिए अब इस नंबर आ जाता है मेरा साथ में क्या है जीरो कैलकुलेट और मैंने अभी आपको एक वीडियो इससे पहले भी बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि हाउ टू कैलकुलेट जीरो ठीक है नंबर ऑफ जीरो नंबर ऑफ जीरो तो वो भी हमें बट उसमें मैंने केस आपको ये बताया था कि अगर मेरे पास कोई संख्या ऐसे करके है मल्टीप्लाई में है ओनली सिर्फ उस पर पावर वगैरह नहीं लगी है तब हम जीरो कैसे काउंट करेंगे मैंने ये वाला केस आपको बताया था अब हम क्या करेंगे इसमें केस तो वही है बट उसमें क्या कर दिया मैंने पावर लगा दी पावर वाला मुझे मिल गया था तो मैंने कही चरा ऐसे भी एक बार बता दें आप लोगों को ठीक है तो देखिए <coughs> वन पे पावर स्क्वायर ठीक है वन पे पावर वन म और मल्टीप्लाई टू पे पावर टू तीन पे पावर तीन चार पे पावर चार पाँच पे पावर पाँच डॉट डॉट डॉट, सौ पे पावर सौ देखिए, अगर आप एक एक करके इसे करेंगे तो आप पागल हो जाएंगे क्योंकि पावर बहुत लगी हुई है, आप कॉपी भर देंगे आंसर नहीं निकाल पाएंगे ठीक है अब देखिए मैंने जब आपको टोटल नंबर नम, टोटल कैलकुलेट जीरो नंबर जब मैं आपको बता रहे थे ठीक है तो उसमें मैंने आपको दो बातें बताई थी दो में से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बताई थी इंपॉर्टेंट में मैंने में क्या बताया था मुझे पेयर बनाने होते हैं दो और पांच के अगर हमारे जीरो कैलकुलेट पूछा जाए कि कितने जीरो आ सकते हैं ठीक है किसी भी क्वेश्चन में तो हम पेयर क्या बनाते थे दो और पांच के वही काम हमें यहां पे भी करना है बट पावर लगी है थोड़ा सा घबराहट हो जाएगी आप लोगों को बट घबराने की बात नहीं है क्योंकि पावर लगी है पावर अपनी जगह है देखिए अब मुझे क्या करना है साफ सीधी बात <laughs> यहां पे मुझे क्या है पांच है फिर मेरे पास कितना है दस है फिर पंद्रह है फिर बीस पच्चीस फिर तीस पैंतीस चालीस पैंतालीस पचास पचपन पैंसठ पचपन साठ पैंसठ सत्तर ठीक है और इधर कितना था सत्तर के बाद पचहत्तर अस्सी नब्बे अस्सी सॉरी पचासी नब्बे पचानबे सौ यही पूछा ना अ देखिए मैं तो ये आप लोगों को इसलिए ऐसे करके बता रहा हूँ क्योंकि इतनी ही वैल्यू आएंगी कि जिनमें पाँच आ सकते हैं ठीक है देखिए पाँच का करेंगे तो इंटू फाइव टू इंटू फाइव थ्री इंटू फाइव फोर इंटू फाइव अब इसे करेंगे फाइव इंटू फाइव सिक्स इंटू फाइव सेवन इंटू फाइव एट इंटू फाइव नाइन इंटू फाइव और यहाँ पे टू फाइव फाइव ठीक है मतलब दस इंटू तो दस को भी हम क्या करेंगे दो इंटू पांच लिख सकते हैं तो मैंने दस को यहाँ पे ये लिख दिया ठीक है अब देखिए पचपन तो क्या है द, दस इंटू पाँच हो गया था तो ग्यारह इंटू पाँच बारह इंटू पाँच तेरह इंटू पाँच चौदह इन्टू पाँच अब पंद्रह की बात तो तीन इंटू पाँच इंटू पाँच ऐसा भी होता का पंद्रह पचहत्तर ठीक है फिर सोलह इंटू पाँच सत्रह इंटू पाँच अठारह उन टू पाँच उन्नीस इंटू पाँच और ये बीस है तो दो ठीक है यहाँ पे चार पंजे बीस बीस पच्चीस चुक सौ ठीक है ये ये आ जाएगी मेरे पास वैल्यू आएंगी या नहीं अब देखिए यहां पे अब पहले मैंने ऐसे ही तो बताया था कि ये चीज करनी होती है ठीक है अब इस पे पावर लगी है तो पावर लगने का मतलब क्या है देखिए पावर लगने का मतलब क्या है यहां पे पावर लगी है तो मतलब इस पूरे पे पावर है इस पे पावर लगी है तो इस पूरे पे पावर है इस पे पावर लगी है तो इस पूरे पे पावर है इस पे पावर ऐसा ही तो मतलब है यही तो है ठीक है अब मैं पूरे पे नहीं लगाऊंगा आप समझ जाओ ठीक है तो ऐसे ही तो लगी हुई है अब देखिए अब मुझे क्या करना है कैलकुलेट करना है कैलकुलेट कैसे करना है पावर लगी है एक पे तो एक दो ए, तीन चार पाँच ठीक है और <coughs> दो च... पावर के हिसाब से काउंट करते जाओ दो चार छः आठ दस दो बारह चौदह ठीक है चौदह दो का मल्टीप्लाई कर देना सीधी बात है इन दो केसों को छोड़ के ठीक है एक ये वाला केस एक ये वाला केस इन्हें दोनों को छोड़ के आप पहले सारी चीजों को काउंट कर लें तो मतलब एक दो तीन चार पांच छः सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह पंद्रह सोलह सत्रह अठारह अठारह दूनी छत्तीस छत्तीस बार, बार पाँच आ चुका है हमारे पास कितना हो गया छत्तीस बार पाँच। अब ये भी तो है इस पे पावर है तो इस पूरे पे पावर है इस पे पाव स्क्वायर है तो इस पे भी स्क्वायर है तो मतलब यहां पर कितने हैं पांच तो स्क्वायर पहले से है चार और चार हो गए तो आठ और ऐड करो इसमें तो कितने हो जाएंगे चवालीस तो मतलब हम टोटल नंबर ऑफ जीरो कितने आ सकते हैं चवालीस क्योंकि दो को तो हम काउंट करते ही नहीं है ना पांच को हम देख लेंगे टू तो बहुत सारे आ सकते हैं बट पांच स्पेसिफिक होते हैं वो लिमिट में ठीक है तो मैंने पांच को देखा चवालीस बार जीरो आएगा ठीक है समझ में आ गई बात कैसे ऐसा केस भी मिलेंगे ठीक है चलो करते हैं आगे इसमें फैक्टोरिया भी लगा होगा कोई दिक्कत नहीं है फैक्टोरिया लगाया तब भी हमें कोई घबराने की बात नहीं है ठीक <laughs> है अब देखिए ये वाले तो कंप्लीट हो गए सारे के सारे अब बात करते हैं और भी थे ना मेरे पास केस मैंने फोटो खींचा था तो उन्हें को भी लेते हैं अब देखिए है। हाँ मैंने फोटो खींचा था देखिए अब रिमाइंडर पे बात करते हैं हम ठीक है मेरा क्वेश्चन था ये वाला फाइंड रिमाइंडर अगर वैल्यू दी है मुझे तेरह बहत्तर इंटू बारह छिहत्तर बाई नौ ठीक एक मिनट इनको डालने जरा देखिए ये है मेरे पास क्वेश्चन मुझे इसमें क्या निकालना है मुझे इसमें निकालना है कि रिमाइंडर फाइंड आउट करनी है तो हम करेंगे क्या या तो हम ऐसा करें कि नौ का भाग इन सब में दे दे और जो रिमाइंडर आए उसे देख ले ठीक है इसमें दो केस होते हैं दो केस क्या देखिए अगर मेरे पास हर में नौ है तो ऊपर जो वैल्यू होती है तो हम क्या करेंगे इन सबको जोड़ देंगे यूनिटों जितने भी यूनिट हैं हमारी जितने भी अंक हैं उन सबको जोड़ देंगे ठीक है और आपस में मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा ठीक है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे एक ये भी मेथड होता है सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करने का ठीक है तो सिंगल डिजिट मेथड क्या है पहले तो हमें इसके बारे में बता दें आपको क्या सिंगल डिजिट मेथड ठीक है सिंगल डिजिट मेथड में क्या करते हैं देखिए जैसे मेरे पास कोई भी वैल्यू है और मुझे आपसे पूछा मैंने आपसे पूछा कि बताइए इसकी यूनिट डिजिट क्या है ठीक है तो वैसे तो हम क्या करेंगे एक ये है एक ये है इन दोनों का मल्टीप्लाई कर देंगे काम बन जाएगा और मैंने सिंगल डिजिट मेथड में क्या किया कि इन सब को मैंने क्या किया छः चार तीन दो चार छ तो कितना आ गया मेरे पास ठीक है बार दस नौ दस तेरह पंद्रह पंद्रह उन्नीस पच्चीस अभी भी दो अंक हैं मुझे सिंगल में कन्वर्ट करना है तो इसमें भी प्लस का साइन तो सेवन ये सेवन हो गया इधर भी आ जाओ छ तीन नौ नौ छ पंद्रह पंद्रह चार उन्नीस उन्नीस तीन बाईस उन्नीस तीन बाईस ठीक है बाईस तो इसे भी कर लो चार इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे सात छो अट्ठाइस ठीक इन दोनों को करेंगे हम फिर एक डिजिट में कन्वर्ट तो कितना हो जाएगा दस तो मतलब वन वन ठीक है तो मतलब हमारे सिंगल डिजिट मेथड में ये होता है एक आ गया ठीक अब मुझे क्या करना है ये तो सिंगल डिजिट वाला मेथड हो गया हमारे पास तो वही चीज हमें यहां पे करना है रिमाइंडर जब भी हम फाइंड आउट करते हैं तब हम क्या करते हैं कि या तो हमें इसे सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर दें तब हमें मिल जाएगा रिमाइंडर ठीक है नहीं तो हम क्या करें इंडिविजुअली क्या करें एक एक का भाग दे दें तो मतलब तेरह बहत्तर अपॉन नौ इंटू बारह छिहत्तर बाई नौ ऐसे कर ले अगर तो करेंगे तो क्या तो, कितना हो जाएगा थी? अगर ऐसे एक बार करके बता रहे हैं देखिए नौ एकन नौ तेरह बहत्तर नौ नौ एकन नौ ठीक है चार तेरह सात हैं नाइन फाइव जा फोर्टी फाइव दो दो नौ तो नहीं अठारह तो कितना हो जाएगा यहाँ पे अठारह के बाद हमारे पास चार यहाँ पे कितना बचा चार बचा चार बचेगा हाँ चार बचा तो रिमाइंडर मेरा कितना हो गया चार रिमाइंडर तो हम यहाँ पे इसकी जगह रिमाइंडर कितना लिख देंगे फोर इन टू अब इससे हम करेंगे ठीक है पहले हम ये भी मेथड बता दे रहे हैं उसके बाद हम इजी मेथड भी बता देंगे ठीक है सिंगल यूनिट से कैसे करेंगे कन्वर्ट करके देखिए बारह बात बारह छिहत्तर तो ऐसे हम करेंगे नौ एकन नौ तीन सात नौ नौ चौक छत्तीस वन छः नौ एकन नौ तो इसे करेंगे तो कितना हो जाएगा सेविन यहाँ पे रिमाइंडर कितना सेविन अब मेरे पास ये सेवन आ गया सात चौक अट्ठाईस ठीक तो यहाँ पे मैंने जैसे ही अट्ठाइस किया यहाँ पे अट्ठाइस आ गया मेरे पास अब मैं क्या करूं यहाँ पे फिर नाइन से भाग देंगे क्योंकि मेरे पास अभी भी नौ नौ का भाग इसमें चलेगा नौ ती सत्ताइस तो रिमाइंडर कितना आ गया वन ठीक है समझ में आ गई बात कैसे है रिमाइंडर इस इस पूरे का कितना आएगा वन ठीक ऐसे भी ये तो ऐसा ऐसा मेथड है कि इंडिविजुअल में हम भाग दे के और उसका रिमाइंडर फाइंड आउट कर लें अब हम क्या करेंगे कि सिर्फ ऊपर वाले डिजिट को जोड़ के एक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट कर लेंगे और जो सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके आएगी वैल्यू वही हमारा रेमेंडर होगा ठीक है तो अब देखिए सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके मैंने आपको पहले ही बता दिया है ठीक है फिर बता देता हूं ठीक सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करके देखिए बन तीन सात दो ठीक मल्टीप्लाई बन दो सात छ करो नौ दस तेरा छः ठीक आ गया मेरे पास रिमाइंडर बट समझ में आ गई बात ऐसे क्वेश्चन आएंगे ठीक है ऐसे ही मेरे पास अब दूसरा क्वेश्चन है ठीक है उसमें नाइन नहीं है ठीक है रिमाइंडर ही फाइंड आउट उसमें भी करना है देखिए ठीक उसमें भी मुझे क्या करना है रिमाइंडर फाइंड आउट करनी देखिए थोड़ी बड़ी हो सकती है आप टेंशन न लें उसकी ठीक अब देखिए क्वेश्चन मेरे पास ये है वन 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 इंटू टू 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 इंटू थ्री 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 अपॉन पंद्रह ठीक है ये क्वेश्चन है मैंने बताया अगर नाइन हमारे पास भाग में होता है हर में हमारे पास अगर नाइन है तब भी हम सिंगल डिजिट मेथड का प्रयोग करेंगे अगर नाइन नहीं है तो हम मेथड इंडिविजुअली ही करेंगे ऐसे करके ठीक है रिमाइंडर पता करके ऐसे ठीक है अगर मेरे पास नाइन नहीं है नीचे तो तो देखिए पंद्रह का अगर इसमें करेंगे तो पंद्रह का करेंगे तो कितना आ जाएगा <laughs> पंद्रह सत्ती एक से पाँच ठीक पंद्रह चौक साठ यहाँ पे आएगा बन ठीक है इसकी जगह के पे क्या मैं लिख दूंगा रिमाइंडर बन ठीक है और इसमें आ जाओ ठीक है ये दो हैं सॉरी ठीक ये दो तो इसमें भी मैं क्या करूँगा देखिए वही चीज पंद्रह अठे दो है ठीक है एक से बीस यहाँ पे लिखो पंद्रह कितना है सात दो पंद्रह सत्ते पंद्रह छ पंद्रह पचहत्तर पंद्रह चौक साठ पंद्रह बीस दो तो यहाँ पे कितना दो ठीक है इसकी जगह इसमें आ जाओ तीन 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 तीन, तीन. तो पंद्रह दूनी तीस पंद्रह दूनी तीस पंद्रह दूनी तीस तो तीन ठीक है अब देखिए ये आ गया मेरे पास टू छ आ गया ठीक है कितना है छ ओके अगर आप इन तीनों का गुणा करेंगे और उसके बाद पंद्रह का भाग देंगे तब भी हमारा छ ही रिमाइंडर आएगा ठीक और अगर ऐसे करेंगे तब भी हमारा छः रिमाइंडर आएगा ठीक तो देखिए टाइप समझ में आ रहे हैं या नहीं पहली बात और जहां पे दिक्कत हो रही है आप क्या करें कि कमेंट बॉक्स में कमेंट करें ठीक है और मुझे अपनी जानकारी दें कहाँ दिक्कत ठीक अभी तो और देखते हैं ठीक हाँ देखिए एक क्वेश्चन और आ गया क्वेश्चन कैसे कैसे हैं हम टाइप बता रहे हैं अभी ठीक है स्पेशल केस ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे कौन से इसमें रिमाइंडर बताइए तो रिमाइंडर इसमें पता करना है तो हमें क्या करना है वही चीज अब फैक्टोरियल लगा हुआ है दिक्कत हो गई है हो जाएगी आप लोगों को तो इसमें क्या करना है फैक्टोरियल वन अपॉन सेवन टू फैक्टोरियल अपॉन सेवन थ्री फैक्टोरियल अपॉन सेवन फोर फैक्टोरियल अपॉन सेवन फाइव फैक्टोरियल अपॉन सेवन सिक्स फैक्टोरियल अपॉन सेवन ठीक है और प्लस डॉट 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 हंड्रेड फैक्टोरियल अपॉन सेवन ठीक ये रहा रखिए इसमें क्या है यहां पे मैंने लिखा जो इसमें क्या करना है अगर फैक्टोरियल लगा है किसी भी संख्या में और हमें रिमाइंडर पूछ रहा है तो क्या करें जो नीचे जितनी संख्या है उतनी ही बार में फैक्टोरियल लगाऊं ठीक है।, है उससे एक कम ठीक है उससे एक कम अब देखिए वन बाई सेवन फैक्टोरियल वन बाई सेवन प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा फोर बाई फोर क्यों दो सॉरी टू बाई सेवन सिक्स बाई सेवन और ये चौबीस बाई सेवन और ये पाँच चार तीन दो एक बारह चौबीस चौबीस चार बीस दो बारह सात ठीक और ये प्लस है हाँ प्लस और बारह चंगे बहत्तर ठीक प्लस डॉट 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 हंड्रेड फैक्टोरियल ठीक अब देखिए मैं बताऊंगा वो क्यों नहीं मैंने लिखा ठीक और आएंगे ऐसे ही बढ़ते जाएंगे हम अब।, अब हम इन्हें क्या करेंगे देखिए इसका रिमाइंडर हमारे पास कितना आएगा वन इसका रिमाइंडर टू इसका रिमाइंडर सेवन बो सॉरी सिक्स ठीक है और इसका रिमाइंडर हम क्या करेंगे सात सात इक्कीस, इक्कीस, मतलब तीन ठीक और इसका रिमाइंडर देखेंगे सात सात पांच जीरो उनचास एक ठीक है और प्लस ये ठीक है इतना उसके बाद रिमाइंडर आएगा नहीं आएगा रीजन क्या आया देखिए क्यों नहीं आएगा रिमाइंडर क्योंकि देखिए अगर हम अब करेंगे यहां पे मैंने कर दिया जैसे मान लिया फैक्टोरियल सेवन बाई सेवन ठीक है अब हम क्या करेंगे इसमें सेवन सिक्स फाइव फोर थ्री टू वन अपॉन सेवन सेवन से सेवन कट गया पूरी वैल्यू आ रही है कोई रिमाइंडर है मेरे पास नहीं है ठीक है कोई बे... कोई रिमाइंडर है नहीं है ऐसे ही सौ को भी करेंगे तो सौ को जब करते जाएंगे तो सौ के बाद निन्यानवे लिखेंगे नवासी लिखेंगे तो एक समय ऐसा आएगा चौदह भी आएगा ठीक है और एक साथ भी आएगा तो मतलब पहले ही कट गई बहुत सारी चीजें तो हम क्यों वहाँ पर टाइम वेस्ट करें अपना लिख के उन चीजों को ठीक है तो इसलिए अब हमें इस वाले को तो जोड़ना ही नहीं है क्योंकि इसमें तो कोई रिमाइंडर बच ही नहीं रहा है अब वैल्यू इनकी हमें जोड़नी है क्योंकि इनके पास रिमाइंडर था मेरे पास देखिए कितना है छ सात ठीक सात और फिर तीन दस दस, दस और छ कितना होता है दस और छोल सोलह दो अठारह उन्नीस तो कितना आया रिमाइंडर उन्नीस ठीक है समझ में आ गई बात कैसे करना है क्वेश्चन ठीक ऐसे ही आएंगे क्वेश्चन <स्थाथ> <स्थाथ> देखिए अब एक क्वेश्चन है मेरे पास सिक्स पावर सिक्सटी सेवन डिवाइडेड आउट करनी है, है।, है।, कैसा कैसा है एग्जाम में यार। कैसे आते है। ठीक है? तो ये क्वेश्चन है तो इसमें क्या करेंगे इसमें हमें क्या करना है जो हमारे पास ये नंबर है सेम नंबर मुझे यहाँ पे बनाना होता है ठीक पावर जो लगी है वो नंबर बनाना होता है देखिए कैसे ये मेरे पास सिक्सटी सेवन है अगर मैं इसे ये नंबर बनाऊंगा तो कितना हो जाएगा सिक्सटी एट माइनस वन अगर हम इसे लिखेंगे तो यह कितना हो जाएगा सिक्सटी सेवन हो जाएगा ऊपर जो पावर है लगा दी प्लस सिक्सटी सेवन ठीक है और डिवाइड सिक्सटी एट हो गया इतना ठीक ये चीज समझ में आ गई बात कैसे मैंने इसे इसको ऐसे लिखा ठीक है कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए अब देखिए यहाँ पे देखिए यहां पे पावर कितनी है सम है मतलब ओड है या इवन है ऑड पावर अगर है तो तो प्लस में वैल्यू आएगी और अगर इवन है तो माइनस में आएगी ठीक है तो अब देखिए सिक्सटी एट सिक्सटी एट से सिक्सटी एट कट जाएंगे कट जाएंगे हमारे पास अब बात करते हैं क्या जब सिक्सटी एट कट जाएंगे तो पावर मेरे पास कितनी बचेगी सिक्सटी सेवन पर बचेगी प्लस सिक्सटी सेवन इतना ही तो ही अब हम यहाँ पे माइनस वन है क्योंकि माइनस एक पे कितनी भी पावर लगा दें वैल्यू एक ही रहती है बट ओड इवन का कॉन्सेप्ट है ऑड पावर है अगर तो माइनस लगा है वन पे तो माइनस में ही आएगा आंसर प्लस अगर यहाँ पे इवन संख्या है कोई पावर तो हमारी वैल्यू किस में आएगी ठीक है पॉजिटिव में तो माइनस इसकी वैल्यू कितनी आई है माइनस वन प्लस सिक्सटी सेवन तो ये कितना हो जाएगा सिक्सटी सिक्स तो ये मेरा आंसर आ जाएगा ठीक है समझ में आ गई बात ऐसे केस समझ में आ रहे हैं कैसे या नहीं चलो अभी तो मैं केस करा रहा हूं क्वेश्चन कराएंगे तो उसमें भरपूर मात्रा में क्वेश्चन भी देंगे आपको और करने के लिए भी कहेंगे ठीक है ये कीजिए ये कीजिए ठीक है अभी तो आप केस समझ लीजिए ऐसे ऐसे क्वेश्चन आ सकते हैं पेपर में आ सकते नहीं आते हैं सॉरी ठीक है मैंने पेपर पेपर को देखा है इसलिए अब देखिए क्वेश्चन ऐसा ही एक और है ट्वेंटी सेवन पर पावर थर्टी फाइव डिवाइड ट्वेंटी सिक्स अब देखिए ये अगर हमें इसे लिखना चाहे तो क्या हो जाएगा ट्वेंटी सेवन 35 पैंतीस अपॉन ट्वेंटी सिक्स ऐसा ही तो होगा तो ये किसके रूप में लिखा है पी अपॉन क्यू के रूप में लिखा है अब यहां पे एक चीज नोटिस कर रहे हो कि पी वाली जो संख्या है वो ग्रेटर देन है क्यू से इस वाले केस में है या नहीं है है तो जब ऐसा केस आता है तो मैं क्या करूं नीचे वाली जो संख्या है ऐसा केस अगर आ जाए आपके पास देखिए अब नीचे वाली इधर उधर वाली नहीं तो हम क्या देखें कि इन दोनों के बीच में गैप देखें गैप कितने का है यहां पे गैप चैप ठीक है, इन पी एंड क्यू नंबर ठीक है तो क्या करेंगे पी और क्यू में हमें क्या करना है गैप चेक करेंगे तो गैप कितने का आ जाएगा 27 सेवन माइनस ट्वेंटी सिक्स बराबर वन एक का आ गया तो एक का गैप आया है और नीचे कंडीशन मेरे पास क्या है ये वाली है कंडीशन कंडीशन क्या है पी ग्रेटर देन क्यू है यही है ना तो ऑलवेज केस इन केस ऑलवेज रिमाइंडर वन ठीक इस चीज को नोट कर लीजिए आप क्या कि अगर ऐसा केस कोई आता है ऊपर वाली संख्या मतलब पी बड़ी है क्यों छोटी है ठीक है तो हमेशा रिमाइंडर क्या आएगा वन आएगा ठीक है और कभी कभी ऐसा भी तो हो सकता है केस नंबर टू केस नंबर टू इसमें भी आता है कि अगर मेरे पास ये वैल्यू हो जाए देखिए पच्चीस हाँ, पे पावर ट्वेंटी फाइव अपॉन ट्वेंटी सिक्स ऐसा भी तो हो सकता है कभी भी ठीक है मतलब अब इसमें इसमें क्या है इसमें कंडीशन और गैप चेक मैं दोनों चीजें करूंगा ठीक है गैप चेक किया तो छब्बीस माइनस पच्चीस बराबर बन बनाया मेरे पास अब यहां पे कंडीशन क्या है पी और क्यू कंडीशन गलत हो गई मतलब P हमारा यहां पे क्या है ये वाला Q ये तो Q बड़ा हो गया जब ऐसी कंडीशन आ जाती है तो इसमें हम क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में ऑड even कॉन्सेप्ट ऑड even कॉन्सेप्ट ठीक है Odd इवन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या है ऊपर देखेंगे पावर की तरफ अब पावर अगर मेरे पास पावर अगर मेरे पास ओड है तो जो संख्या है वही लिख देंगे हम ठीक है ये क्या है मेरा आंसर हो जाएगा रिमाइंडर हमारा पच्चीस आ जाएगा अगर ओड पावर है ओड का मतलब क्या है ओड बराबर क्या है बेसम और मैं ये नंबर सिस्टम में सिखा चुका हूं बहुत पहले ही मैंने बताया था ठीक है कि बंट थ्री फाइव सेवन डॉट 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 करके ठीक है जो भी है ऐसी कोई सीरीज तैयार होती है तो वो ओड नंबर की सीरीज होती है तो इसमें पच्चीस है पावर कितना है ओड है इवन है ओड है तो ऑड है तो मतलब हमारे पास पच्चीस है वही हमारा क्या हो जाएगा यहाँ पे रिमाइंडर हो जाएगा और छब्बीस ये रहा हमारे पास अब अगर यहाँ पे मैं पावर कर देता सिक्स तो अब बताओ इसका क्या आएगा मेरे पास आंसर अगर मेरे पास ये वाली कंडीशन आ जाती यहाँ पर ये वाली तो इसका आंसर क्या आएगा तो इसका आंसर हमें यहाँ पर क्या करें ईवन पावर आ गई तो एक रिमाइंडर कितना आंसर वन ठीक ये चीज हमेशा नोट कर लेना ओके समझ में आ गई बात चलिए अभी ये केस बता रहे हैं दो केस हो चुके हैं ठीक है हम्म अब देखिए एक केस ऐसा भी हो सकता है रिमाइंडर में बत्तीस पे पावर बत्तीस बत्तीस डिवाइडेड बाई नौ ऐसा भी हो सकता है हो सकता है या नहीं ठीक है और इसमें भी मुझे रिमाइंडर फाइंड आउट करनी है जब रिमाइंडर इसका भी फाइंड आउट करनी है तो मैं क्या करूंगा ये देखेंगे इसमें ये चेक करेंगे कि नौ के मल्टीपल्स मल्टीपल्स चेक करेंगे नौ के मल्टीपल्स क्या क्या होते हैं नौ अठारह ठीक है 27 छत्तीस ऐसे करके तो अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए जब ये चेक करेंगे हम तो यहाँ पे क्या है ये है बत्तीस तो बत्तीस किसके पास में है अगर पाँच बत्तीस सत्ताईस के पास में है या छत्तीस के पास में है तो ऑफिस लिए छत्तीस के क्योंकि अगर हम इसमें से चार घटाएं और इसमें प्लस फाइव जोड़ें तो सबके सबसे ज़्यादा नज़दीक किसके आएगी हमारे पास इसके पास आएगा क्योंकि इसमें से कम घटाना पड़ रहा है हमें ठीक है तो वो ही हम यहाँ पे करेंगे छत्तीस माइनस मतलब इसका जो मल्टीपल्स है उसे लिखेंगे और कितना घटा रहे हैं चार ठीक है और ऊपर पावर कितनी है बत्तीस बत्तीस डिवाइडेड बाई नौ ठीक है ओके इतना हो गया अब हम क्या करेंगे कि इस इसमें छत्तीस तो इससे डिवाइड हो जाएगा छत्तीस तो कट ही जाएगा अब बची माइनस चार तो माइनस चार ये जो आई है वैल्यू इसको हम क्या करें इसमें से घटा दें क्वाड्रेंट में से ठीक है तो नाइन माइनस फोर बराबर कितना हो जाएगा फाइव तो आंसर मेरा कितना आ जाएगा पांच ठीक है समझ में आ रही है बात कैसे दोबारा एक बार बता दे रहे हैं हम कि इसमें अगर ऐसी कंडीशन आ जाए मेरे पास देखिए ये नौ है नौ नहीं यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है उससे कोई दिक्कत नहीं उसके मल्टीपल्स को हम देखेंगे कि बत्तीस जो यहाँ की आगे वाली संख्या है वो देखेंगे चेक करेंगे कि कौन से मल्टीपल्स के सबसे पास में है तो पहले मैंने क्या किया चेक किया नौ छत्तीस मतलब चार घटाएंगे और एकदम पाँच जोड़ेंगे तो पाँच में सबसे किसके छत्तीस के तो छत्तीस माइनस चार ऊपर कर दिया छत्तीस तो कट जाएगा मेरे पास माइनस चार का बचा तो ये मेरा रिमाइंडर है अब माइनस में कभी रिमाइंडर होता नहीं है तो हम क्या करेंगे रिमाइंडर जब माइनस में नहीं होता है तो हम क्या करेंगे जो नौ वाली वैल्यू थी जिस मतलब जिससे भाग दिया जा रहा था उसमें से उस वैल्यू को घटा देंगे जो माइनस वाली है और जो बचेगी वो हमारा रिमाइंडर हो जाएगा ठीक है हम्म देखिए एक क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है बस इसके बाद हम क्वेश्चन यहीं पे फिनिश कराएंगे ठीक है टाइम बहुत हो गया मेरे भी दिमाग में दर्द हो रहा है ठीक है और देखिए ये कितनी दुखद बात है कि मैं बीमार होते हुए भी आप लोगों को पढ़ा रहे हैं बट आप लोग अपना काम ठीक से नहीं कर रहे हैं मैंने आपसे बोला था कि क्या करें शेयर करें अपने दोस्तों को बताएं उन्हें भी प्रॉफ़िट दें ठीक है जो चीज़ें मैंने बताई आपने मुझे नहीं लगता है कुछ कोई बात की होगी कोई भी चीज़ें की होंगी ठीक है अब मैं इतनी मेहनत से आपके लिए ये चीज़ें बना रहा हूँ वीडियो बना रहा हूँ ठीक है तो आपका भी थोड़ा बहुत फर्ज बनता है आप भी इतना काम कर दीजिए ठीक है क्योंकि मैं तो क्या है कि बहुत सारे क्वेश्चनों को देखता हूँ और फिर उन्हें छाँटता हूँ उसके बाद मैं आपके सामने लेके आता हूँ और लोग क्या करते हैं कि एक क्वेश्चन मिल गया ठीक है तो एक क्वेश्चन की दस मिनट पांच सेकंड की या आ, पांच सेकंड तो काफी कम टाइम हो जाता है दस मिनट की वीडियो बना के तैयार कर दी पांच मिनट की करा दी बट मैंने आ, आप लोगों को क्या किया कि जितना भी कंटेंट था नंबर सिस्टम से जो एग्जाम में आ सकता था मैंने सबको एक ही साथ में कंप्लीट कराने की कोशिश की है और यह बहुत अच्छी बात है क्योंकि आप एक बार देखें और एक बार में ही देख के आप एग्जाम देने चले जाएं आपके छूटने वाले नहीं है कुछ भी ठीक है बट आप लोगों की जो रेस्पॉन्सिबिलिटी आप लोगों को दी गई है वो आप अच्छी तरह नहीं निभा रहे हैं क्योंकि मुझे भी थोड़ा एफर्ट दीजिए भाई ठीक है शेयर कीजिए लाइक like कीजिए कमेंट कीजिए ठीक है हम वीडियो बना के डाल देते हैं हमें कमेंट मिलता ही नहीं है कि हमें पता ही नहीं चल पाता है कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा है किसके डाउट हैं क्या है ठीक है तो वो सब नहीं चलेगा भाई ठीक है मुझे भी मोटिवेट कीजिए आप और मोटिवेट आप ऐसे कर सकते हैं कि आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए उनसे बोलिए कि आप भी देखें आप भी पढ़ें आप भी एग्जाम निकालें ठीक है उन सारी चलो एक लास्ट क्वेश्चन रह गया उसे भी करा देते हैं देखिए सिर में दर्द हो रहा है इसलिए ठीक है वैसे रहते तो दो तीन गए हैं अब देखिए एक है मेरे पास संख्या एक संख्या है ठीक है उसमें छप्पन से, से भाग देने पर छप्पन से भाग देने पर शेषफल उन्तीस बचता है शेषफल उन्तीस बचता है ठीक उसके बाद उसी संख्या को उसी संख्या को संख्या को आठ से भाग देने पे देने पर शेषफल क्या आएगा क्या बचेगा अब देखिए जब ऐसा क्वेश्चन कोई आ जाए हमारे पास ठीक है तो हमें क्या कर लेंगे इसमें जो ऊपर वाली जो लाइन दी है कि छप्पन से भाग देने पर शेषफल इतना बचता है अब मुझे संख्या तो पता ही नहीं है कि कौन सी संख्या है मेरे पास ठीक है तो इसके दो मेथड है ठीक है तो दो मेथड है अब दोनों में से कोई भी आप अप्लाई कर सकते हैं कैसे देखिए छप्पन है तो पी मेरे पास एक कोई संख्या है छप्पन से भाग दिया ठीक है और मुझे कितना शेषफल मेरा कितना बच के तैयार हुआ प्लस का उन्तीस ठीक है और ये मुझे एक्स ना संख्या मिल गई ठीक है भागफल मुझे मिल गया ये <coughs> ठीक है यहां पर ऐसे ऐसे कर लो ये मेरे पास एक संख्या है संख्या देखिए कैसे निकालते हैं ऐसे ही तो करते हैं हम यहां पर भाज्य बराबर ठीक है भाजक इंटू भागफल प्लस शेषफल ऐसा ही होता है ना फॉर्मूला तो इसमें वही चीज करेंगे देखिए कितना है छप्पन है ठीक है भाग देने पर तो भागफल आएगा कुछ भी तो भागफल मैंने पी मान लिया ठीक है और शेषफल मेरे पास कितना है ट्वेंटी नाइन है और संख्या मेरी पास पूरी क्या हो गई एक्स हो गई ये मेरे पास एक जनरल टर्म बन गई तैयार इक्वेशन बन बनकर तैयार हो गई अब ऐसे अब मुझे क्या करना है एट को भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा यही तो पता करना है मुझे तो अब मैं क्या करूँ यहाँ पे देखिए यहाँ पे और इसमें 29 के में ऐसे खंड करूं ऐसे खंड करूं कि आठ का मल्टीपल्स आ जाए कोई एक ठीक है नियर अबाउट में ठीक है तो हम अगर आठ अटकन आठ, आठ सोलह आती है चौबीस आ चुक बत्तीस ठीक है ये मैं करूंगा ठीक तो अब इसमें से मैं क्या करूं? मुझे संख्या मुझे बत्तीस तो है नहीं मेरे पास उन्तीस है तो उनतीस में से हम इधर वाली संख्याएं बना सकते हैं कुछ भी ठीक है मल्टीपल्स में तो अब मैं वही काम करेंगे तो इसमें कितना जोड़ दे ट्वेंटी फोर प्लस फाइव जोड़ दे और प्लस फिफ्टी सिक्स पी इक्वल टू एक्स यही तो है <coughs> यहाँ पे क्या है एट तो एट को हम इनमें से कॉमन ले लेंगे तो कितना हो जाएगा एट कॉमन लिया ठीक है तो कितना आ जाएगा आठ सत्ते छप्पन सेवन पी प्लस थ्री प्लस फाइव तो जो ये बच के आया मेरा यही मेरा क्या है शेषफल है एक तो मेथड ये है मेरे पास ठीक है ये वाला मेथड है क्या करेंगे पहले इक्वेशन बनाएंगे इक्वेशन कैसे बनाएंगे हम कोई मेरे पास एक संख्या है ठीक है छप्पन है भाग देने पर मतलब हमारे पास कोई ऐसी एक संख्या है यहाँ पे एक्स है छप्पन से मैंने भाग दिया यहां पे मुझे पी मतलब कुछ भी हो सकता है मुझे दिया नहीं है ये तो पी मुझे मैं मान लूंगा कि भागफल मेरा पी है ठीक है और शेषफल मुझे कितना है उन्तीस है तो हम यही तो करेंगे